फिर बच्चों, आज हम देख रहे हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है विस्क्यूनेस, विषमता। तो विषमता चैप्टर में हमने क्वेश्चन पहले जो किए वो आप प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं, और ये लेसन 11 से है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के। आज जो हम इस पर क्वेश्चन करने वाले हैं वो एक बार आप देखें। क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 18, 17 सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें केवल आपको एक्स बार जेड और स्टैंडर्डाइजेशन करना है। ऐसे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं इसलिए इसको नहीं ले रहे हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो ये है आपका 18 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित समांकों का प्रयोग करते हुए समुचित विषमता के माप का परिकलन कीजिए। विषमता के माप यानी आपको क्या लेना है, स्क्यूनेस कैलकुलेट करना है, और वो उसमें क्या कहता है, बेस्ड ऑन क्वार्टाइल एंड मीडियन। क्वार्टाइल और मीडियन के बेस पर अगर करने को कहता है तो कहलाता है बाउले। किसका? बाउले का विषमता गुणांक। हमने इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है बाउले का विषमता गुणांक का, जिसको हम सिंबल में कहते हैं जे क्यू। तो जे क्यू कैलकुलेट करना है, और जे क्यू कैलकुलेट करने का तरीका होता है कि हम Q3, Q1 और M कैलकुलेट करें। Q3, Q1 और M, ये तीन चीजें कैलकुलेट करनी है और फिर हम जे क्यू कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन देखें आप मेरे साथ। सबसे पहले वेजेज दिया हुआ है इन रुपीज, अंडर 36, 36 से 41, 42 से 43, 47, 48 से 53, 54 से 59, 60 से 65 और 66 एंड अबव। तो स्टार्ट अंडर से होता है, एंड अबव से होता है यहाँ पे, तो इसको ओपन एंडेड बोलते हैं। आगे से दिख रहा है और पीछे, दो ही जगह पर ऐसा है जहां पे यहाँ अंडर लिखा है और यहाँ अबव लिखा है। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये सीएफ है या लेस देन का क्वेश्चन है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। और बीच में जो ये ग्रुप दे रखा है ना, ये ग्रुप में देखो गैप है, 41 यहां शुरू होता है 42, तो एक का गैप इसमें दिखाई देता है। तो वो गैप को अपने को रिमूव करके फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, देखें कैसे होगा। तो पहले जो हमारे सामने जो ग्रुप दिया हुआ है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। आपको क्या करना है, इस ग्रुप में 5 का गैप है तो 5 के गैप से ही इसको सेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सबसे पहले ग्रुप बनाएंगे, तो 36 में से 5 कटाओ कितना होता है, 31। और 31 आप इसको 36 मत मानो, जैसे यहाँ पे 41 है तो यहाँ पे 42 चल रहा है ना, तो इसका मतलब अगर यहाँ 36 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 35 होना चाहिए। तो 35 मानो, 35 में से 5 कम करो 30, तो जो आपका ग्रुप बनेगा वो बनेगा 30 से आपके 35, फिर आएगा 36 से 41। तो पहला ग्रुप समझ में आया, 41 41 पहला ग्रुप समझ में आया। इससे ये भी फॉलो हो गया ना, यहाँ 35 आ गया और यहाँ पे 36 आ गया। फिर उसके बाद में 42 से 47, फिर 48 से 53, फिर 54 से 59, 59 और फिर 60 से 65, फिर 66 से कहाँ जाएगा, 71। अब आप देखो ये साइमेट्रिक हो गया, मतलब एक जैसा हो गया सारा, सही है ना। वरना क्या होता कि एक का गैप रह जाता, अगर हम यहाँ पे 35 नहीं लेते ना तो ये फिर ये यहाँ पे फिर वो सेट नहीं बैठती बात। तो इसलिए हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम अपने प्रश्न को सही क्रम में ले लें। अब ये पूरा 5 के गैप से भी हो गया और सारी चीजें सिक्वेंस में है। अब हमारे पास अगली प्रॉब्लम ये आई कि यहाँ पे 35 है और यहाँ पे 36 है, तो एक का गैप है हर जगह पे। तो इस गैप को, ये जो इस तरह का जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है, इंक्लूसिव। क्या होता है, इंक्लूसिव ग्रुप होता है। तो इस इंक्लूसिव को हमें एक्सक्लूसिव ग्रुप में बदलना होता है, हिंदी में इसे कहते हैं समावेशी। तो समावेशी जो ग्रुप होता है उसको अपवर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसको कन्वर्ट करने का तरीका यह है कि इसमें और इसमें जो गैप है वो 1 का है, सही है। इस गैप को 2 से भाग दे दो तो आधा हो जाएगा, यानी 0.5। तो इस 0.5 को
आगे वाली संख्या है जिसको हम एल वन बोलते हैं उसमें से तो घटा दे, ठीक है ना, 0.5 को, और एल टू जो होता है उसमें आपके 0.5 को जोड़ दे। ये काम करने से हमारा ग्रुप सही हो जाएगा। तो दोबारा से फिर से लिखेंगे ग्रुप, और ग्रुप अब हमारा होगा 30 में से 0.5 घटेगा तो 29.5, और आपके 35 में जुड़ेगा तो 35.5। ये आपका पहला ग्रुप बनेगा। फिर 36 में से 36 में से 0.5 जाएगा तो 35.5, और 41 में आपके जुड़ेगा तो 41.5, फिर 41.5, फिर 47.5, फिर 47.5, 53.5, फिर 53.5, फिर 59.5, 59.5, 65.5, 65.5, 71.5। अब आप देखो, ये और ये जो हमारा था, ये और ये समान हो गया हर जगह पे, यानी हमने इसको एक्सक्लूसिव में बदल दिया। तो इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना। तो आप देखो, दो स्टेप पूरे लगे हमें इसे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब आपके पास अगला पार्ट आता है फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, कितनी है बच्चों प्रश्न में बोलना, 34, 46, 78, 76, 54, 38, 24। टोटल इसका बनता है 350। हो गया ये भी। अब ये हमने सिर्फ अभी तक क्या किया है, क्वेश्चन को सही फॉर्मेट पे लेके आए हैं। सही फॉर्मेट पे आने के बाद में अब हम इसे सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के लिए हमें केवल सीएफ बनाना है इस प्रश्न में। क्यों? क्योंकि हमें Q1, Q3 और M कैलकुलेट करना है, तो इन तीनों के लिए केवल सीएफ बनता है। तो सीएफ बनाते हैं, 34, 46 जोड़ेंगे, 80, 158, 76 जोड़ेंगे, 234, फिर 54 जोड़ेंगे, फिर 38 जोड़ेंगे, 326, फिर उसके बाद में 350। बस ये इतना ही काम अपने को करना है। अब हमारा जो अगला पार्ट शुरू होता है वो है तीन चीजें कैलकुलेट करना, Q1, Q3 और M। चूंकि हम इसकी प्रैक्टिस पहले कर चुके हैं तो फिर से एक बार करते हैं, तो रिवीजन ही होना है। और उसके बाद में हम कैलकुलेट करेंगे JQ, जो इस चैप्टर के लिए हमारा मेन प्रश्न है, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले Q1। Q1 यानी क्वार्टाइल। तो क्वार्टाइल में सबसे पहला काम स्मॉल Q1, जिसका फॉर्मूला होता है n अपॉन 4, और बाहर की तरफ 1 लग जाता है। n है कितना, 350 अपॉन 4, 87.5 TH। इसको CF में ढूंढेंगे। तो CF में ढूंढोगे तो इससे जस्ट बड़ी CF देखो कौन सी है, 158। इसको अंडरलाइन कर दो। ये L1 हो जाएगा, ये F हो जाएगा, और इससे ऊपर ये जो है वो C हो जाएगा। तीन चीजें मार्क करनी है। अब आप कैपिटल Q1 का फॉर्मूला लगाएंगे, L1 प्लस I अपॉन F स्मॉल Q1 माइनस C। तो इसमें सॉल्व करें तो L1 41.5 इंटरवल 5 अपॉन
इंटरवल लेस करके देखो, 6 है क्या, 6 लिखो। हाँ जो है वो लिखना है, कितना है 47.5 में से 41.5 कट आउट, तो 6 अपॉन क्या है 78। फिर स्मॉल Q1 कितना है 87.5 माइनस C 80, तो इसे सॉल्व करेंगे क्या आता है 42.07 के आगे, तो 7 8 कर सकते हैं, ये आपका आंसर हो गया। चेक करो दिया हुआ है, एग्जैक्ट आंसर मैच करेगा सारी बातें सही होने पर। अब जैसे हमने Q1 कैलकुलेट किया ठीक वैसे ही Q3, तो Q3 के लिए पहले स्मॉल Q3, इसका फॉर्मूला होता है n अपॉन 4 और यहां पे 3 लगेगा, तो सॉल्व करेंगे n अपॉन 4 यानी 350 बटे 4 और 3 से गुणा करेंगे कितना आता है 262.5 th। इसको CF में ढूंढेंगे तो इससे जस्ट बड़ी CF कौन सी है प्यारे बच्चों, देखो ये रही, इससे जस्ट बड़ी CF ये रही, इसको अंडरलाइन कर देंगे, ये L1 हो जाएगा कौन 53.5, फिर 54 जो है वो F हो जाएगा और इससे ऊपर ये 234 ये C हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कैपिटल Q3 का, तो कैपिटल Q3 का फॉर्मूला होता है L1 प्लस I अपॉन F स्मॉल Q3 माइनस C। तो L1 आपका कितना है 53.5 इंटरवल 6 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितना है 54। Q3 कितना है 262.5 माइनस C 234। ये आपको इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 56.67। ये Q3 हो गया। Q3 कैलकुलेट होने के बाद में नेक्स्ट कैलकुलेशन M मीडियन, तो मीडियन के लिए पहले स्मॉल m जिसका फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 th, n है 350 डिवाइड बाय 2 175 th, इसको CF में ढूंढेंगे तो 175 से जस्ट बड़ी CF ढूंढे, ये रहा सवाल, तो उससे जस्ट बड़ा CF कितना है, तो ये अंडरलाइन कर देंगे। अब इसमें आपके ये L1 76F और इससे ऊपर ये जो 158 है वो C हो जाएगा, एक ही तरीके से तीनों सवाल होते हैं, तो C कैलकुलेट करना है, हो गया। अब आप लोग कैपिटल M, तो इसका फॉर्मूला होता है L1 प्लस I अपॉन F स्मॉल m माइनस C। L1 कितना है 47.5 प्लस इंटरवल है 6 और 76 होगी फ्रीक्वेंसी, स्मॉल m 175 माइनस 158। आप इसे सॉल्व करेंगे 48.84, ये आपके एम भी हो गया, तीनों आंसर हमारे पास आ गए। अब अपने को लेना है जे क्यू, तो जे क्यू कैलकुलेट करना है जो कि आपके बाउली का विषमता गुणांक होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है Q3 प्लस Q1 माइनस 2M अपॉन
थ्री माइनस क्यू वन, ये बाउली का विषमता गुणांक होता है। अब आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्यू थ्री कितना आया था, 56.07 67 प्लस 42 है क्या, मैंने 52 लिख, हाँ 42.08, फिर उसके बाद में माइनस 2 इंटू 48.84। अब इसमें डिवीजन करना है, डिवाइड करना है, तो डिवाइड करेंगे और डिवीजन में क्या है, 56.67 माइनस 42.08। अब आप धीरे धीरे इसे सॉल्व कर ले, पहले इन दोनों की जोड़ लगा लो, कितना आता है, 98.75 माइनस ये 2 इंटू 48.4, 97.668 अपॉन, इसमें से इसको घटाएंगे तो 14.59, तो आंसर आएगा 0.07, आगे कुछ नहीं है, 3। तो ये आपका आंसर हो गया, बस ये इतना ही सवाल है। मेन चीज इस सवाल की आपने देख ली कि कैसे करना है, ग्रुप को सही करना था, उसके बाद में सीक्वेंस में सारा प्रश्न चलेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर ले। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, निम्न समंको से बाउली के विषमता गुणांक का परिकलन कीजिए, कैलकुलेट बाउलीज कॉफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। साइज ऑफ कॉलर इन सेंटीमीटर दे रखा है 0, 2, 3, यहां पर कोई ग्रुप नहीं दे रखा, सीधा 0, 2 और 3 दे रखा है। फिर लिखता है 4 से 5, 6 to 9, तो 5 से 6 में एक का गैप होता है। फिर 9 to 10, यहां पे भी एक का गैप है, लेकिन 10 to 14 हो गया। फिर 14 से 15, यहां पे भी एक का गैप है, फिर 25 हो गया। 25 में से 15 घटाओ, कितने का गैप होता है, 10 का। 14 में से 10 घटाओ तो गैप तो अलग अलग है, उसको तो हम सुधार नहीं सकते। अब हम इस सवाल में कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम देखते हैं। और इसके सामने ये जो नंबर ऑफ शर्ट है ये F है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सीधा सीधा सवाल है, ठीक है। अब इसमें हमें बस आगे वाला जो हिस्सा है ना, इसको हमें थोड़ा सा सुधार करना है, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होता है, इंपॉर्टेंट मार्क कर ले। बच्चों हमने साइज को यहां पे वापस जैसा क्वेश्चन में दिया था वैसा ही लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें साइज को वापस रीअरेंज करना पड़ेगा। साइज में हम दो बातें देखते हैं, एक तो कि ग्रुप दिया वही है, ग्रुप में इंटरवल इक्वल नहीं है, तो हमारे लिए भी ये कुछ ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है, हम चाहें तो इक्वल कर भी नहीं सकते इसको, और जरूरत भी नहीं है, कर नहीं सकते एक बात, और करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि हमें क्वार्टाइल कैलकुलेट करना है। ये बात विशेष रूप से याद रखें, जब कभी भी जेड कैलकुलेट करना हो तो ग्रुप का इंटरवल समान करना पड़ता है। अब चूंकि यहां पे जेड की कैलकुलेशन है ही नहीं, तो हम अपने आप ग्रुप इसमें मैनेज करेंगे। सबसे पहला जो आप है वो आप लिख दो, साइज जो है वो रहेगा 0, पहला साइज 0 ही पड़ा रहेगा। अब अगला जो साइज है वो 1 से 2, ये हम ग्रुप बना देंगे। उसका अगला साइज हो जाएगा 3 से आपके 4, नीचे वाला 4 है ना, हाँ बच्चों। तो ग्रुप यहां पे जो पहला लेंगे वो देखो, यहां पे ये सब हटाएंगे, 0 पहला रखना है, फिर हम लिखेंगे यहां पे 2 से 3, फिर 4 से 5, फिर आगे कंटिन्यू 6 से 9, फिर 10 से 14, फिर 15 से
25। अब हमने मर्ज किया है ग्रुप को, तो मर्ज करने के बाद में आपको क्या करना है। अब ये जो ग्रुप हमने कंस्ट्रक्ट किया, उसका हमारे पास एक ऑप्शन था कि हम इसको फ्रीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। हमने ग्रुप लेना इसलिए जरूरी हुआ क्योंकि बिना ग्रुप के क्वेश्चन नहीं हो सकता। पहला जीरो वाला को ग्रुप हमने लिया नहीं, क्योंकि जीरो लेते तो माइनस पॉइंट पांच चला जाता। माइनस पॉइंट इसलिए नहीं जा सकता पांच, क्योंकि जो कॉलर है वो माइनस में नहीं हो सकती, लिखा है ना प्रश्न में कॉलर है। तो ये कंस्ट्रक्ट करने में हमें थोड़ी बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। अब हम इसमें फ्रीक्वेंसी लेते हैं। देखो जीरो की फ्रीक्वेंसी दे रखी है वन, इसका मतलब ये है कि ये कॉलर लेस है, मतलब जिसमें कॉलर नहीं है ऐसा साइज है, सही है ना। अब देखो साइज ऑफ कॉलर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब जीरो का मतलब हो गया कि एक शर्ट ऐसा है जिसमें कॉलर नहीं है, क्लियर। इसको माइनस पॉइंट फाइव नहीं कर सकते ना, इसलिए ये। अब आपकी ये जो है इसको फिर से सॉल्व करेंगे। इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, दो की तो दे रखी है तीन, और तीन की दे रखी है दो, दोनों इसी ग्रुप में आती है, तो यहां पांच लिख देंगे। समझ में आती है बात। उसके बाद में बाकी सेम है, चार सात तीन एक। अब आप इस ग्रुप को फिर से एडजस्ट करेंगे, फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना जरूरी था पहले। समझ में आया बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत इसमें। अब ग्रुप वापस लेते हैं, पहला जीरो। अब ये दो और तीन जो है इसमें, यहां पे देखो ये गैप है, सही है ना। गैप कितने का है, एक का, तो एक का आधा करेंगे तो पॉइंट पांच, सही है। इन दोनों का गैप देखा वो है वन, इसको आधा कर देंगे तो हो जाएगा पॉइंट पांच। आधा करने के लिए दो से भाग देते हैं, पॉइंट पांच को दो में से घटाना है तो एक पॉइंट पांच, और तीन में जोड़ना है तो तीन पॉइंट पांच, ये आपका ग्रुप बन गया। फिर चार में से घटाना है तो तीन पॉइंट पांच, और पांच में जोड़ना है तो पांच पॉइंट पांच। फिर छह में से घटाना है तो पांच पॉइंट पांच, और नौ में जोड़ना है तो नौ पॉइंट पांच। फिर दस में से घटाना है तो नौ पॉइंट पांच, और चौदह में जोड़ना है तो चौदह पॉइंट पांच। फिर पंद्रह में से घटाना है तो चौदह पॉइंट पांच, और पच्चीस में जोड़ना है तो पच्चीस पॉइंट पांच। ये आपका ग्रुप हुआ, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, सी एफ बना लो। तो सी एफ बनाएंगे तो वन वन और फाइव सिक्स, सिक्स और फोर टेन, टेन सेवन सेवनटीन, सेवनटीन और थ्री ट्वेंटी, और ट्वेंटी वन। कोई दिक्कत मेरे बच्चे। अब इसमें हम पहले कैलकुलेट करेंगे वही सेम चीज क्यू। तो क्यू वन के लिए आपको पहले स्मॉल क्यू वन लेना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला हो गया एन अपॉन फोर और वन। तो n अपॉन फोर है ना, तो n कितना है 21 अपॉन फोर, और 1 से गुणा करेंगे तो करो कितना था 5.25 th। इसको cf में देखो तो इससे जस्ट बड़ी cf कौन है, 6 है, तो इसको अंडरलाइन कर लो। ये l1 हो जाएगा, ये f हो जाएगा, सॉरी एफ आगे की तरफ है ना आगे, वो इसीलिए हम क्या है आदत अनुसार इसको दोबारा से लिखते हैं। ये एफ हो जाएगा और इसके ऊपर ये वन जो है वो सी हो जाएगा। तीनों चीजें मार्क कर ली हमने, एल वन एफ और सी। तो अब आप क्यू वन कैलकुलेट कर लें, एल वन प्लस आई अपॉन एफ स्मॉल एम स्मॉल क्यू वन माइनस सी। अब इसे सॉल्व करें, एल वन कितना है बेटा 1.5 प्लस इंटरवल इसी का ही देखना है 2 अपॉन एफ है 5, क्यू वन कितना है 5.25 माइनस 1। सॉल्व करें तो आंसर इसका कितना आता है 3.2, लिखें 3.2। ये आपका किसका आंसर है, क्यू वन का। अब सेकेंड पॉइंट क्यू थ्री, तो क्यू थ्री के लिए पहले स्मॉल क्यू थ्री, इसका फॉर्मूला हो जाएगा एन अपॉन फोर
और आगे 3, तो 21/4 × 3 कितना होता है? 15.75 TH, सही है। अब आगे क्या होता है, इसको CF में ढूंढेंगे, तो इससे जस्ट बड़ी CF कौन है बच्चों? 17। तो इसको पूरे को अंडरलाइन करेंगे, ये L1 हो जाएगा, ये F हो जाएगा, और ये इससे ऊपर C हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सॉल्व करें। Q3 इज इक्वल टू L1 प्लस I अपॉन F स्मॉल Q3 माइनस C। L1 कितना है बेटा? 5.5 प्लस इंटरवल कितना है? डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी 7। Q3 15.75 माइनस C 10। सॉल्व करेंगे इसे, कितना आता है? 8.785। ये आपके Q3 हो गया। अब Q3 के बाद में अगला पॉइंट क्या लेना है? M। तो M के लिए पहले स्मॉल m, जिसका फॉर्मूला आता है N/2 TH, सही है। तो अब आपके इसमें क्या होगा, n कितना है? 21/2 डिवाइड, तो आएगा 10.5 TH। इसको CF में ढूंढेंगे, इससे जस्ट बड़ी CF कौन है? 17। तो इसी को अंडरलाइन करेंगे हम, क्यों सही है ना, वापस यही अंडरलाइन होगा, तो सारा सेम चीजें ही रह जाएंगे। L1 वहीं रहेगा, F वहीं रहेगा, और C भी वहीं रहेगा। ठीक है, देखें इधर, M बराबर L1 प्लस I अपॉन F स्मॉल M माइनस C। तो L1 आपका कितना है इसमें? 5.5 प्लस इंटरवल कितना है? 4 अपॉन 7, फिर उसके बाद में 10.5 माइनस 10। यहां आके प्रश्न बदल जाता है, तो इसका आंसर कितना आता है? 7.5, ये आपका आंसर हो गया। अब आपको इसमें कैलकुलेट करना है जे क्यू, तो जे क्यू का फॉर्मूला हो जाएगा Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1, सही है। तो अब इसे सॉल्व करें, Q3 कितना है? 8.785 प्लस Q1 कितना है? 3.2 माइनस 2 × m कितना है? 5.785 डिवाइड बाय, भाग देना है इसमें कितने से? 8.785 माइनस 3.2। सॉल्व करेंगे इसमें, इसको जोड़ो, 11.985 माइनस 11.57 अपॉन 8.785 में से 3.2 घटाओ, कितना आता है? 5.5 5। अब आप इसका आंसर कैलकुलेट करें, तो जे क्यू बराबर, आंसर इसमें से इसको घटाओ कितना आता है बता दो पहले एक बार, शॉर्ट में कर लेते हैं, 0.415 अपॉन 5.585, 0.074, ये आपका आंसर होता है 0.074, चेक करें। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।